हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 31 अगस्त दिन शनिवार है, वही हिंदी महीना भादो और कृष्ण पक्ष की द्वादशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, मध्य प्रदेश में दो और नए जिले बनाने की तैयारी कर रही है सरकार। मध्य प्रदेश को जल्द ही दो नए जिले मिलने की संभावना है। अभी प्रदेश में कुल 55 जिले हैं। ऐसी स्थिति में अगर दो जिले बनते हैं तो मध्य प्रदेश में 57 जिले हो जाएंगे। बीना और जुन्नारदेव को नए जिले बनाने का ऐलान सरकार जल्द ही कर सकती है। जुन्नारदेव को नया जिला बनाने के बाद बीना को भी जिला बनाने की मांग तेजी से उठ रही है। ऐसे में अब सरकार जल्द ही दोनों नए जिले बनाने का ऐलान कर सकती है। इसके लिए राजस्व विभाग की ओर से आयोग गठित करने के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संभागीय बैठक में संदेश भी दे दिया था। नए जिले और तहसील बनाने से लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको बता दें कि इन दोनों जिलों के लिए सीमांकन की तैयारी में सरकार जुट गई है। दोस्तों, 5G के बाद अब 6G पर सामने आया है सरकार का प्लान। इससे हर भारतीय को होगा बड़ा गर्व। फास्ट और मजबूत नेटवर्क के लिए दुनिया पहले से ही बहुत तेजी से काम कर रही है। 3G और 5G को लेकर दुनिया भर ने देखा है कि भारत ने इस पर कैसे काम किया है। अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ कह दिया कि भारत 6G में भी दुनिया को एक नई दिशा दिखाने वाला है। सिंधिया जी ने कहा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी टेलीकॉम इंडस्ट्री में अहम रोल प्ले करेगी। भारत में मोबाइल कनेक्शन में तेजी से उछाल देखा गया है। पहले यह 900 मिलियन था, लेकिन अब बढ़कर 1150 मिलियन हो चुका है। इंटरनेट के मामले में हम 200 मिलियन से बढ़कर 950 मिलियन हो चुके हैं। डेटा कॉस्ट से लेकर कॉलिंग कॉस्ट में भी गिरावट आई है। भारत 3G, 4G और 5G के साथ अब 6G में भी लीड कर रहा है। आने वाले समय में पूरी दुनिया की नज़र हमारे नेटवर्क पर होगी, जो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। दोस्तों, अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। DPI के आदेश के बाद प्रदेश के 15,000 अतिथि शिक्षक हो गए बेरोजगार। दरअसल शिक्षा विभाग ने इस वर्ष अतिथि शिक्षकों की भर्ती में 30% से कम रिजल्ट लाने वाले अतिथि शिक्षकों को दोबारा नौकरी पर नहीं रखने का आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि इस समय प्रदेश के स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। DPI के आदेश से कई ऐसे शिक्षक बेरोजगार हो गए जिनमें उनकी गलती नहीं थी। कई बार सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों से वह विषय पढ़ाया जाता था जो उनका सब्जेक्ट नहीं है। इससे कई अतिथि शिक्षकों का रिजल्ट डाउन हो गया, जिससे बच्चे उन विषयों में फेल हो जाते थे और स्कूल का रिजल्ट खराब हो जाता था। इस खराब रिजल्ट का जिम्मेदार अतिथि शिक्षकों को ठहराया जाता था। इस तरह से उनकी गलती नहीं होने पर भी उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया जा रहा था। जबकि यही नियम नियमित शिक्षकों पर लागू नहीं है, उन्हें इस प्रकार का कोई दंड नहीं दिया जा रहा है, ना ही उन पर कोई कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं अतिथि शिक्षकों का कहना है कि अगर सरकार पिछले सालों का रिजल्ट देखे या कम से कम 2 साल का रिजल्ट देखे तो सरकार को पता चल जाएगा कि गलती किसकी है। कुल मिलाकर अतिथि शिक्षकों की गलती नहीं होने पर भी उन्हें बेरोजगार होना पड़ रहा है। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए ताकि सच सामने आ सके। किसानों के लिए जरूरी खबर है। बालाघाट जिले में किसानों के पास मौजूद है 150 किस्म से अधिक धान के बीज। दोस्तों, कुछ सालों पहले तक किसानों की लगाई गई धान की फसल रकबे को बेहतरीन खुशबू से सरोबार कर देती थी। इस तरह के देसी धान की किस्मों की भीनी भीनी खुशबू न केवल व्यक्ति के मन को प्रफुल्लित करती थी बल्कि भरपूर स्वाद और पोषण युक्त भी होती थी। इनसे प्रचुर मात्रा में आयरन और जिंक आदि भी मिलता था। ये शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती थी। लेकिन अब की स्थिति बिल्कुल अलग है। अब कृषि जगत को हाइब्रिड ने पूरी तरह से अपनी आगोश में कर लिया है, जिसके कारण परंपरागत देसी बीज विलुप्ति के कगार हैं। लेकिन विलुप्ति होती इन परंपरागत देसी बीजों को सहेजने का काम बालाघाट जिले के किसान कर रहे हैं। बालाघाट जिले के आदिवासी बाहुल परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के एक छोटे से गांव के किसान राजकुमार चौधरी ने परंपरागत देसी किस्म की 150 धान की प्रजातियों का संरक्षण किया है। ये अपनी ज़मीन पर इन सभी किस्म के धान की फसल तैयार करते हैं। वहीं राजकुमार की माने तो 2013 से उन्होंने देसी धानों के संरक्षण का कार्य प्रारंभ किया था। उन्होंने शुरुआत में सिर्फ 13 किस्मों के धान से की थी, लेकिन आज उनके पास 150 किस्म के देसी बीज के साथ हैं। यूं कहें तो उनके पास इन बीजों का म्यूजियम है, जो कि किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में प्राइमरी शिक्षकों की जाएगी नौकरी। इस आदेश से मच गया है हड़कंप। मध्य प्रदेश में BEd की योग्यता के आधार पर प्राइमरी स्कूलों में भर्ती हुए 341 शिक्षकों की नौकरी पर बड़ा संकट आ गया है।
इनकी नियुक्तियों को निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि अगर किसी उम्मीदवार की योग्यता बीएड है और गलती से उसके रिकॉर्ड में डीएड लिख गया है और वह प्राइमरी स्कूल में ज्वाइन हुआ है तो ऐसे शिक्षक की नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। इसकी सूची भी जिला अधिकारियों को भेजी गई है। इस प्रकार से आप ध्यान रखें, यदि आप बीएड धारी हैं और प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आपकी नौकरी खतरे में है। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर थाने में बुजुर्ग दलित महिला पर डंडे बरसाने वाली टीआई पर बड़ा एक्शन लिया गया है। कटनी जिले से खबर है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में जीआरपी थाने के अंदर थाना प्रभारी अरुणा वाहने द्वारा दलित महिला और उसके पोते के साथ बेरहमी से मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। कांग्रेस ने इस मामले का जबरदस्त विरोध किया था। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश के बाद बड़ा एक्शन लेते हुए टीआई समेत 6 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। और आपको मालूम होगा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ऐसे मामले में कड़ी कार्रवाई करते हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली मध्य प्रदेश भवन में किया है मध्य प्रदेश उत्सव का शुभारंभ। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में 4 दिवसीय मध्य प्रदेश उत्सव का शुभारंभ किया है। इस उत्सव में लघु मध्य प्रदेश की झलक दिखाई देगी। मुख्यमंत्री ने उत्सव का औपचारिक शुभारंभ करने के बाद यहां लगाई गई प्रदर्शनी और स्टॉल का भी अवलोकन किया। मध्य प्रदेश उत्सव में प्रदेश से जुड़ी सांस्कृतिक विरासत, साहित्य, कला, हस्तशिल्प, हथकरघा, एक जिला एक उत्पाद आदि उपलब्ध रहेंगी और यह उत्सव 2 सितंबर तक जारी रहेगा। दोस्तों, अब मुद्रा लोन के तहत 20 लाख रुपए तक ले सकते हैं आप लोन। छोटे और लघु उद्योगों को केंद्र सरकार बड़ी राहत दे रही है। इसके तहत अब मुद्रा लोन की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। अब तक मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर अब 20 लाख रुपए कर दिया गया है। इनमें उन्हीं लोगों को 20 लाख रुपए का लोन मिलेगा जिन्होंने पहले 10 लाख रुपए का लोन लिया था और उसे चुका दिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के अंतर्गत मुद्रा लोन आप किसी भी बैंक से ले सकते हैं और स्वयं का रोजगार खोल सकते हैं। पेरिस पैरालंपिक में भारत की शेरनियों ने किया है धमाका। आपको बता दें कि पेरिस में पैरालंपिक खेल हो रहे हैं। पेरिस पैरालंपिक में शुक्रवार का दिन भारत के लिए शानदार रहा। देश की 3 महिला एथलीट्स ने भारत को 3 मेडल दिलाए। महिला शूटिंग में अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल दिलाया, मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता। वहीं 100 मीटर T35 श्रेणी रेस में प्रीति पाल ने ब्रांज मेडल जीता। इस प्रकार से इन तीनों ने भारत को मेडल दिलाया है। ये सभी तीनों एथलीट्स उन लड़कियों के लिए प्रेरणादायक बनेंगी जो इन खेलों में रुचि रखती हैं। इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।